चंबा साहित्य कला एवं संस्कृति मंच चंबा और क्लासिक ईरा पब्लिकेशन के तत्वाधान में रविवार को साहित्यिक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर लालित्य ललित की कविताओं की पुस्तक का विमोचन डॉक्टर प्रेम जनमेजय, प्रोफेसर राजेश कुमार, रणविजय राव, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुनील कुमार ने विशेष तौर से उपस्थिति दर्ज करवाई। समारोह के दौरान कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इसमें चंबा के नामी कवि भूपेंद्र जसरोटिया, चंचल सरोलवी, मधु कश्यप, छवि चंपालिया व टीसी सावंत सहित कई कवियों ने कविता पाठ कर तालियां बटोरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लालित्य ललित है। मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में भी रचनात्मकता की कमी नहीं है, लेकिन इस समय दिल्ली में जो तापमान है वो 49 डिग्री सेल्सियस पर है और ऐसे समय में हिमाचल से सुखद आमंत्रण मिले, वो भी क्लासिक ईरा पब्लिकेशन की ओर से, कि जिन्होंने मेरी कविताओं को प्रकाशित करने में रुचि दिखलाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कमाल की बात यह है कि इन कविताओं का संचयन तेलंगाना के युवा लेखक डॉक्टर सुरेश कुमार और तृप्त ने किया और इन कविताओं को प्रकाशित करने की जिम्मेवारी अनुज टी सी सावन ने ली। और चंबा में आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और चमियाली और स्थानीय रचनाकारों से मिलकर भी बहुत ज़्यादा सुखद अनुभूति हुई। ऐसा लगता है कि यहाँ रचनात्मकता की कमी नहीं है। आप देखिए कि मैं काफ़ी समय से लिख रहा हूँ, कई भाषाओं में लिख रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी में, और मेरी कई रचनाओं का अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। लगभग 60 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और जो आज जो कविता संग्रह ललित ललित की श्रेष्ठ कविताओं का संचयन प्रकाशित हुआ है वो 61वां है, 61 उसे कह सकते हैं। और व्यंग में भी मेरी रुचि है और 29 मेरे व्यंग संग्रह हैं। लगभग दर्जन भर देशों की यात्राएं हिंदी के साहित्यिक संवर्धन के लिए की है, जिसमें नाइजीरिया, जापान, मॉरिशस, हांगकांग, मकाऊ, ताशकंद, नेपाल। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और कविताएं मेरे जीवन से जुड़ी हुई है और कविताओं में जहाँ सरलता है, तरलता है, जीवन का आनंद है और जो सौहार्द है वो महसूस होता है, और कविताएं अपने आप मुझे ले चलती हैं। मुझे लगता है कि मेरे भीतर कोई इनविजिबल लेखक बैठा हुआ है जो मुझे लिखने को विवश करता है, और कविताएं मेरा पहला प्रेम है। और शायद यही वजह है कि पहला कविता संग्रह मेरा मैंने संचयन का ही मेरा आया, कविता संभव, जिसमें देश के 62 कवि थे। और आप ये देखेंगे कि कई सारी पत्रिकाओं ने मेरे पर विशेषांक निकाले हैं, जिसमें पुष्पगंधा है, बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं देश विदेश में मैं जाता हूं, और हिमाचल में मेरी तीसरी या चौथी यात्रा है। मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में भी मैं इस प्रदेश में आऊँगा, इस जिले में आऊँगा, और आप सब लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगा, आगे भी लगता रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी हिमाचल में आता हूँ तो अपने देश में आता हूँ, अपने घर आता हूँ, और घर किसे पसंद नहीं होता। अगर हम दिल्ली में काम करते हैं वो हमारी कर्म भूमि है, ये हिमाचल हमारी रचनात्मक भूमि है, और हिमाचल से बहुत कुछ मिला है, सौहार्द मिला है, प्रेम मिला है, स्नेह मिला है, और रचनात्मकता का वह अनुभूति जन्य आनंद मिला है, सानंद मिला है, सरोवर मिला है, समंदर मिला है, जिसमें हमें आना हमेशा है, ये अच्छा लगता है। आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुश हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने आज जो बुक भी लॉन्च किया तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जो बुक कविता संग्रह मेरा जो आज लोकार्पित हुआ, मैं उसकी भी एक फोटो आपको दिखा देता हूँ, किताब की। हाँ, ये आ गई है, ललित के ललित की श्रेष्ठ कविताएं। इसका प्रकाशन क्लासिक ईरा पब्लिकेशन ने किया, जो चंबा में है, चंबा बेस्ड है। और मुझे चंबा में आके, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली में आप देख सकते हैं कि जहाँ तापमान इस समय बढ़ा हुआ है, ट्रैफिक से बुरा हाल है, लेकिन चंबा आने में कोई हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई हो ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम रास्ते में भटके भी, डलोजी से ऊपर आए, हमें ट्रैफिक पुलिस ने गलत डायरेक्ट कर दिया, लेकिन फिलहाल हमें पहुंचना था, हम पहुंचे, हम देर रात या 9:30 बजे रात को पहुंचे, लेकिन अच्छा लगा। ऐसा होता है कि जब अच्छे लोगों से मिलना होता है तो कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ती है, और बातें बहुत कुछ है, लेकिन जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक देखेंगे, पुस्तक से रूबरू होंगे, तो आपको मेरी कविताएँ आप देखेंगी। और बड़ी बात यह है कि आज इस कविता के लोकार्पण में कश्मीर की ह्यूमन राइट्स की महरोज जो चेयरपर्सन है वो यहाँ उपस्थित थी, तो अच्छा लगता है कि
दूसरे प्रदेश का व्यक्ति इस प्रदेश में आके ऐसा लगता ही नहीं कि कोई कोई कश्मीर, हमारा देश एक है, हम अखिल भारतीय वैश्विक जो हम ग्लोबल की बात करते हैं, इस कार्यक्रम को आज कितने लोगों ने देखा फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और गूगल के जरिए, कई सारे देशों में हमें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि लेखन से मुझे बड़ी शक्ति मिलती है, रोजाना मैं 4 कविताएं अगर लिखता हूँ तो शायद कई बार मुझे अपने श्रीमती का भी खूब भजन बनना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक लेखक क्या करेगा, लेखक तो लिखेगा।